हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और 9th of December। मेरे हस्बैंड आज वापस आ रहे हैं और मैंने दिन भर एक्चुअली शूट नहीं किया था। आई वाज बिजी इन सम अदर वर्क्स। सो अब वो अभी लेट हो रहा है, एक्चुअली अभी रात के 10:30 अराउंड हो रहा है। तो मैं फटाफट से मेरा डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। आज बहुत लेट हो गया था डिनर प्रिपेयर करने में। तो मैं आज बना रही हूँ कश्मीरी पुलाव, बट द थिंग इज़ कि मैं उसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। ओनली जो काजू, ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से वेजीज हैं वो ऐड करने वाली हूँ। तो चिकन ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर कर लिया है पहले से, बट मैंने शूट नहीं किया। मैं काम करते करते कर रही थी, तो मैंने दोनों में से कुछ भी शूट नहीं किया है। बट हाँ, पुलाव अभी गरम गरम बना रही हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो इस तरह का कुछ दिखेगा, प्लीज अवॉइड द मेस। ये किचन की हालत हो रखी है। तो मैं अभी बना रही हूँ पुलाव। तो ये हल्के से फ्राई हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू ऐड वाटर। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है अदरक। अभी इसमें इतना सा डालना है एंड देन सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। तो मैं इतना सा डाल रही हूँ। नाउ मिक्स एंड मिक्स। तो इसको एक उबाल आने के बाद मैं प्रेशर कुकर का लिड बंद करूंगी। तो एक उबाल आने देते हैं, तब तक मैं सलाद की प्रिपरेशन करती हूँ। तो फाइनली ये घर पे आ चुके थे और लिटरली उस समय 11:30 हो रहा था। तो हमने फटाफट से चेंज वगैरह करके और हम डिनर करने बैठ गए। तो फाइनल रिज़ल्ट ये था। और चिकन मैंने ऑलरेडी पहले प्रिपेयर कर लिया था, बट फिर मैंने इसको गर्म किया और हमने फटाफट से फिर ठूंसा। लिटरली इतनी भूख लग रही थी, बिकॉज मैं इनका वेट कर रही थी कि ये आने से फिर मैं खाऊंगी। बट पुलाव बहुत फ्रेश एकदम। ये पुलाव मतलब का जो राइस है ना, वो पता नहीं कौन सा हम इस बार लेके आए, बट लिटरली बहुत ही अच्छा है। इसका टेस्ट वगैरह बहुत ही अच्छा है। और ये रहा चिकन, मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्म था, तो मैं इसको ठंडा करने के लिए रखी थी। और फिर हमने डिनर किया और फिर हम सीधा सोने चले गए थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैंने नाश्ता वगैरह बना के, और ये ऑलरेडी ऑफिस जा चुके हैं। तो आज है सैटरडे और आज एकादशी है, तो मुझे पूजा करने के लिए मंदिर में जाना था। इसी वजह से मैं फटाफट से फिर जो भी कपड़े थे वो सब मैं समेटने लगे। रात को मैंने लेट नाइट को रखा था सूखने के लिए, तो वो सब मैंने सुबह को ही निकाला था। निकाल के फिर मैं फटाफट से उसको समेटने लग गई थी। उसके बाद मतलब ऑलरेडी 8, 8:30 तो हो चुके थे। फिर मैं घर का काम वगैरह ख़त्म करके और फिर मैं जाती तो 10:30, 11 मुझे ऑलरेडी हो जाते। मुझे नहीं पता कि मंदिर यहाँ खुला रहेगा या बंद रहेगा। पर मैंने मासी भी बता रही थी आज की मतलब कुछ यहाँ पे पूजा है। एक्चुअली हर जगह पे कुछ ना कुछ है, पर उसका नाम शायद कुछ अलग होता है। जो हम पूजा कुछ और बोलते हैं और ये लैंग्वेज के वजह से थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अदरवाइज द थिंग इज कि सब जगह कुछ ना कुछ तो है। तो मुझे भी मम्मी ने बताया कि आज एकादशी का पूजा है और फिर मतलब मासी बोल रही थी आज पूजा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात की पूजा है। तो बस यही है एक लैंग्वेज कन्फ्यूजन। तो मैंने प्लान किया कि मैं फटाफट से नहा धो के फ्रेश होके और फिर मैं जाऊंगी। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और आज एकादशी है, तो शिव जी को पूजा करने जाना है। यहाँ पे पास में एक मंदिर है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। फिर मैं आपको आके मिलती हूँ। मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे शूट करूँगी, बट वहाँ पे आज जल और दूध दोनों चढ़ाना है, तो चलो। एक्चुअली मैं घर से तो निकल गई थी, बट हमारे पास में जितने भी मंदिर थे वो सभी बंद हो गए थे। 11 साढ़े 11 हो रहे थे, बट सभी मंदिर बंद हो गए थे। तो पास में ही एक भाभी रहती है, हमारे मतलब कलीगी हैं, कलीग की वाइफ है, तो मैं उनके घर पे चली गई और मैंने वहाँ पे ये सरप्राइज़ मुझे मिला और लिटरली बहुत खूबसूरत लग रहा था। आई जस्ट फेल इन लव विद इट। इसकी क्वालिटी, मटीरियल, ये सब के बारे में मैं बाद में आपको बताऊँगी, बट उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ से रिटर्न होते टाइम मैं मंदिर होके और फिर घर पे आई। मेरे दर्शन वगैरह सब बहुत अच्छे से हो गए थे, तो अब मैं घर रिटर्न हो रही हूँ। तो फाइनली आई एम बैक फ्रॉम मंदिर। और एक्चुअली सुबह को जब मैं गई थी ना, तो वहाँ पे मंदिर बंद हो चुका था। यहाँ का मुझे सिस्टम समझ में नहीं आया। एक्चुअली मंदिर चालू रहता है, यहाँ पे भी आज पूजा है, पारादीप में भी आज पूजा, मतलब यहाँ पे भी कोई पूजा तो है, पर ये मुझे समझ नहीं है। बट आज एकादशी वाला जो होता है ना, तो उस वजह से मैं वो शिव जी को जल चढ़ाने गई थी, बट जब तक मैं गई तब तक बहुत लेट हो चुका था और मंदिर बंद हो चुकी थी। तो फोन करके पंडित जी को बुलाना था कि आप आइए पूजा करवाने के लिए। मैंने कहा ये इतना तामझाम करने से अच्छा मैं घर पे जाऊँ, शाम को फिर वापस आऊंगी। बट वहीं पे पास में मेरी एक बहुत अच्छी, मेरे हस्बैंड के कलीग हैं, उनकी वाइफ, मतलब वो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उनकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो मैं वहाँ पे उनको मिलने चली गई थी और लिटरली इतने दिनों के बाद, मतलब ऐसे, मतलब उनकी जो थिंकिंग है और थॉट है ना, मतलब हम मुझसे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती रहती हैं और मेरे से एज में वो काफ़ी एज में बड़ी हैं। बट ऐसे लोग ना जो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लाते हैं, या आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है अगर शेयर करते हैं, मतलब तो शेयर करने से ना कुछ तो सोल्यूशन वो दे देते हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो शी इज़ लाइक अ गाइड टू मी। वो मुझे अगर ऐसा, मेरे से कोई गलती हो रही हो या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हो, तो वो मुझे गाइड करती हैं कि नहीं ये सही है, ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मैं काफ़ी टाइम से, 4-5 महीने से मैं यहाँ थी नहीं, और मैं आई थी उसके बाद भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उनको मिलने के लिए, तो मैं गई थी उनको मिलने के लिए। और लिटरली टाइम ऐसे निकल गया। मीन्स मैं वहाँ पे 11:30 को गई थी और शाम को 4:30-5 बजे रिटर्न वापस वहाँ से आई। बात करने में इतनी बिजी हो गई कि मैंने कुछ आगे वो, मतलब कुछ भी नहीं सोचा, बस हम गप्पे लड़ाते रह गए। और फिर उन्होंने एक्चुअली एक सोफा लिया है जो मुझे बहुत पसंद आया। मैं उसका क्लिप अभी ऐड करूंगी। फ्लिपकार्ट से ही लिया था मैंने, उनको लिंक पूछा है, बट उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी। आई डोंट नो उसका प्राइस क्या है, मैंने उनको पूछा है कि मुझे लिंक शेयर करना। अगर वो 2-सीटर ही है, बट मैं उसका लिंक शेयर करूंगी। और जो क्वालिटी है ना, लिटरली बहुत ऑसम क्वालिटी है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। और मेरा भी मन लालच वाला हो रहा है, मतलब उसको देखने के बाद ना मतलब उसका कलर इतना सोबर, इतना मस्त था, मीन्स पता नहीं पिक्चर में वैसी क्वालिटी दिखेगी, मतलब मैंने अभी देखा नहीं है पिक्चर में वो फ्लिपकार्ट पे कैसे दिख रहा होगा, बट रियली उसका जो फील था ना, फैब्रिक था, मस्त था। तो मैं जो भी लेना चाहते हैं ना वो मैं लिंक शेयर करूंगी, आप ऑर्डर कर सकते हो। उन्होंने शायद अंडर 10,000 में लिया था, मतलब प्राइस उन्होंने मुझे बताया था कि 10,000 के अंदर ही है, बट एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता था उनको। वो मुझे डिटेल्स शेयर करेंगे तब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। बट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ट्रस्ट मी, मैं उस पर बैठ के मस्त एंजॉय कर रही थी, चिल कर रही थी। और सही बताऊँ तो क्या होता है ना कि बहुत दिनों से ना मैं घर में ही थी, तो अचानक से मतलब ऐसी बातें करने को मिला ना, मतलब जो अंदर की फीलिंग्स होती है हम किसी को वेंट करते हैं, मतलब किसी के साथ शेयर करते हैं, वो फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। और यूजुअली क्या होता है ना, जो कपल्स अकेले रहते हैं, हस्बैंड के साथ अकेले रहते हैं, तो मतलब इतनी मतलब अकेले अकेले में ना ऐसा होता है कि किससे बात करें फैमिलीज ऑब्वियसली होती हैं, बट थिंग इज कि हम सारी पर्सनल बातें उनसे शेयर नहीं कर पाते कभी कभी। तो मतलब इस तरह की जो फीलिंग होती है ना, तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, जो ऑब्वियसली मैं मेरे पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकती या मेरे फैमिली वालों के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो मैं उनके साथ दिल खोल के बातें करती हूँ। और टाइम कैसे निकल जाता है ना, मीन्स पता भी नहीं चलता। तो यस, और फिर मैं वहाँ से रिटर्न होने के बाद मैं आईब्रोज करवाने गई थी और आईब्रोज अच्छे बने हैं। फिर मैं वहाँ से मंदिर गई थी, मैंने मंदिर में थोड़ा बहुत शूट किया था। काफ़ी अंधेरा था, कुछ दिख तो रहा नहीं था, बट हाँ काफ़ी शांति मिल रही थी। और आज दर्शन करना ज़रूरी था, उस समय मैं दूध और ये लेके नहीं गई थी और वहाँ पे ऐसा था नहीं कि मैं कुछ ले सकूँ, तो बस मैं दर्शन करके वापस आ गई हूँ। फिलहाल मैं बस अभी डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड अभी आते ही होंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है। तो इनको मैंने चॉपिंग करने दिया है, उसका कारण ये है। और मैं वहाँ से कॉफ़ी वगैरह, मेरे स्टॉक ख़त्म हो गया था तो मैं वो भी लेके आई थी। और आज मेन्यू में है खिचड़ी, प्लेन खिचड़ी और भरता, तो बैंगन और टमाटर मैंने वो सेक लिया है। और चॉपिंग का पार्ट मैंने इनको दिया है, कॉफ़ी ऑलरेडी फिल हो गए हैं। और एक्चुअली ना मेरे हाथ में ना पता नहीं क्या हुआ, मतलब कहीं पे चोट लग गया जिस वजह से वो पूरा स्वेल हो गया। तो चॉपिंग करने में और इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो मैं अच्छे से ना मतलब पकड़ नहीं पा रही, कोई ग्रिप नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए मैंने उनको दिया कि आप चॉपिंग कर दो एटलीस्ट, तो मुझे थोड़ा आसान हो जाए। और यूजुअली मैं चॉपिंग अवॉइड करती हूँ। और ये रहा फैंटास्टिक था, भरता रेडी हो चुका है, बस खिचड़ी के लिए प्रेशर लगा दिया है। और फिर हम बैठ के चिल कर रहे थे। देन हमारा डिनर प्रिपेयर हो गया, सिंपल रोस्टेड पापड़ बनाया था, ये भरता और ये खिचड़ी विद घी, देसी घी। और हमने फटाफट से डिनर किया और हम अपनी फेवरेट मूवी चला के देख रहे थे। एक्चुअली हम रैंडमली वी स्पेंट सम क्वालिटी टाइम टुगेदर एट नाइट ड्यूरिंग डिनर, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब शांति होती है, मतलब कोई ऐसा रश नहीं होता, कुछ मेरा भी काम नहीं होता और इनका भी काम नहीं होता। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एवरी कपल्स लाइफ, मतलब एक साथ आपको मतलब कोई एक मील आप साथ में ज़रूर खाओ। तो हम यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे थे और दिस वाज माय हैप्पी डे। इस तरह से यूजुअली हम अपना दिन एंड करते हैं। सो येस, और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज़ चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड सेम एंड माय यूट्यूब हैंडल इज़ chetnajay_kumar। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट सून इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, हैप्पी गुड नाइट।